सीहोर जिले के आष्टा विधायक रघुराज सिंह ने क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी है। पीएम आवास में रह रहे हितग्राहियों की समस्या को देखते हुए रविवार को नगर पालिका द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 1.5 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। भोपाल आष्टा मार्ग पर नगर के वार्ड 16 स्थित पीएम आवास कॉलोनी को 1.5 वर्ष से अधिक बने हुए हो गए हैं, जिसमें सैकड़ों लोग प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत बने आवासों में निवास कर रहे थे। लेकिन 1.5 वर्ष से अधिक समय से पीएम आवास योजना के सभी हितग्राही मूलभूत सुविधाओं, सड़क, बिजली, नाली, पीने के पानी से वंचित थे, जिसके चलते हितग्राहियों ने कई बार ज्ञापन, आवेदन, विरोध प्रदर्शन के जरिए मूलभूत सुविधाओं की मांग की थी। वहीं क्षेत्रीय विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय ने पीएम आवास में रह रहे इन हितग्राहियों की समस्या को देखते हुए रविवार को नगर पालिका द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 1.5 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। देखिए, जो ये नई कॉलोनी कांग्रेस के शासन में इनको यहाँ बसाया गया था, इसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज जी चौहान साहब ने उनके भाषण में कहा था कि जिनके पास अगर जगह नहीं है तो जगह भी हम उपलब्ध कराएंगे और मकान भी देंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर ये कॉलोनी गलत तरीके से कांग्रेस का अध्यक्ष कैलाश परमार जी ने गलत तरीके से इसको यहाँ आवंटित किया गया, जबकि इसको मल्टी के रूप में देना चाहिए था, क्योंकि ये करोड़ों रुपए की ज़मीन है, उसको बर्बाद करने का उन्होंने काम किया। फिर भी अब उन्होंने करा तो करा, लेकिन सारी सुविधा युक्त कॉलोनी होना चाहिए थी, जैसे पानी की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था। लेकिन इन भाइयों को, बहनों को ऐसे कचरे में डाल दिया गया कि उनका जीवन दुर्भाग्य हो गया। बहुत सारे लोग मेरे पास बार बार आते रहे कि भाई साहब, पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, रोड की दिक्कत है। तो आज परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से, भगवान राम के आशीर्वाद से, हनुमान लाला जी के आशीर्वाद से आज हमने 1.58 करोड़ का भूमि पूजन किया है और शीघ्र ही इस कॉलोनी को, एक तो आज हमने सारी जनता जनार्दन के सामने हमने प्रस्ताव रखा, उन्होंने सारे लोगों ने समर्थन किया कि इस कॉलोनी का नाम आज से अटल कॉलोनी के नाम से लिया जाएगा, और ये आज हमने उसको सिद्ध करके दिखा दिया। कॉलोनी होना चाहिए थी, जैसे पानी की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था। लेकिन इन भाइयों को, बहनों को ऐसे कचरे में डाल दिया गया कि उनका जीवन दुर्भाग्य हो गया। बहुत सारे लोग मेरे पास बार बार आते रहे कि भाई साहब, पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, रोड की दिक्कत है। तो आज परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से, भगवान राम के आशीर्वाद से, हनुमान लाला जी के आशीर्वाद से आज हमने 1.58 करोड़ का भूमि पूजन किया है और शीघ्र ही इस कॉलोनी को, एक तो आज हमने सारी जनता जनार्दन के सामने हमने प्रस्ताव रखा, उन्होंने सारे लोगों ने समर्थन किया कि इस कॉलोनी का नाम आज से अटल कॉलोनी के नाम से लिया जाएगा, और ये आज हमने उसको सिद्ध करके दिखा दिया। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो मैंने कहा मंच से, जी जो जैसा करेगा ऐसा भरेगा, और हमको उनने चेतावनी दी है, परमात्मा को ललकारा है, तो परमात्मा निश्चित रूप से अगर उनने गलत किया है तो निश्चित रूप से जेल जाएंगे। और उन्होंने भ्रष्टाचार तो इतना किया है कि जिसकी हद ही नहीं की जाए, कि उन्होंने, मैं बोल तो रहा हूँ कि आज तक कोई एक निशानी बता दे कि कांग्रेस कि हमने ये करके दिखाया, और हमारे तो हजारों निशानी है। यहाँ का अध्यक्ष कैलाश परमार रहे, लेकिन आष्टावासियों में आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि एक काम बता दो, इस कांग्रेस के लोगों का एक काम बता दो, इस कैलाश परमार का एक काम बता दो जिसने आष्टा नगर पालिका में या आष्टा में नगर में कोई ऐसा काम किया हो जिसे याद रखा जाए, बता दो। एक काम भी है जिसको मैं हजारों काम मैं गिना सकता हूँ। मैंने 2003 मरे साल ये रोड देख लीजिए, जब तक रोड रहेगा रघुनाथ मालवीय का अपना नाम रहेगा। आज भी खिड़की क्यों चलती है, यह आपके सामने प्रमाण है। जब मैं 2003 में बना था, 4-5 रोड बना था, उसको 17-18 वर्ष हो गए, करीना एक रोड भी आज का नगर में नहीं, सारा खुदा हुआ है। और हमसे वो भी लाना चाहते हो, कुछ करते नहीं हो और हम पे भी लगाना चाहते हो। अरे भाई, तुम्हें ये जनता जनार्दन कभी माफ नहीं करेगी, कभी
कभी आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि तुमने इतना प्रचार न्याय जनता पे किया है आप लोगों ने। और आज सीधी गई रोड की उन्होंने बात की, पार्टी से पूछना चाहता हूं कि उस समय हमने जनवरी फरवरी में हमने भूमि पूजन किया और कोरोना आ गया, कोरोना चरम सीमा, दूसरी लहर आ गई। अब दूसरी लहर में मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम हमारे घर में घुसे हुए थे और हम रोड पे चलते थे जनता जनार्दन के बीच में, जो भैया कोरोना में कोई काम चल रहा। इस दौरान कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष धारा सिंह पटेल सहित भाजपा नेता, प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। सीहोर से मोहम्मद अहद सिद्दीकी की रिपोर्ट।